नमस्कार दोस्तों, 18 अक्टूबर के मॉर्निंग अपडेट में आपका स्वागत है। शुक्रवार का दिन और हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन। शुरुआत करते हैं कल के बाजार से। कल का बाजार अगर आप देखें तो तीनों ही इंडेक्स, इंडिया के जो मेरे इंडेक्स हैं, वो गिरावट के साथ बंद हुए। तकरीबन सब में ही 1% से ऊपर की गिरावट आपको देखने को मिली। मार्केट जो थे शुरुआत में तो कल ऊपर ओपन हुए थे परसों के पॉइंट से, लेकिन निफ्टी 50 है जो 10:30 के बाद, इसमें काफ़ी अच्छी खासी हमें गिरावट देखने को मिली और जो गिरावट लगभग पूरे दिन ही रही। ऑटो स्टॉक और रियल्टी स्टॉक, ये इनमें सबसे ज़्यादा हमें गिरावट देखने को मिली है। वहीं आपका आईटी सेक्टर है, ये पॉजिटिव में था। यूरोपियन और यूएस मार्केट भी अप थे और एशियन मार्केट थोड़ा डाउन था, यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हो रही थी। अब अगर हम बात करें स्टॉक्स की, तो स्टॉक्स जो आज खबरों में रहने वाले हैं, तो आज देखिए रिलायंस ने अपनी रिकॉर्ड डेट फिक्स किया, 28 अक्टूबर, 1:1 बोनस इशू किया है। इन्फोसिस का तकरीबन 4% प्रॉफिट बढ़ा है और इनका जो डिविडेंड है 21 रुपये डिक्लेयर किया, जिसकी रिकॉर्ड डेट 29 अक्टूबर है। तो यहाँ भी आपको अच्छी खासी बढ़त देखने को मिलेगी। एलटीआई माइंडट्री की बात करें, इनका तकरीबन 7% का प्रॉफिट हुआ है, 1251 करोड़ और 20 रुपये का डिविडेंड है, जिसकी रिकॉर्ड डेट है 25 अक्टूबर। इसमें भी आपको पॉजिटिव न्यूज़ है, तो बढ़त देखने को मिलेगी। विप्रो की बात करें तो इनका 21% प्रॉफिट बढ़ा है, तकरीबन 3,200 करोड़, 1:1 इन्होंने बोनस शेयर इशू किया है, जो कि 15 दिसंबर से कम्प्लीट हो जाएगा। एक्सिस बैंक की बात करें, इनका प्रॉफिट तकरीबन 6,000 करोड़ के आसपास हुआ है, 18% बढ़ के, और नेट इंटरेस्ट इनकम भी इनकी तकरीबन 13,000 करोड़ बढ़ी है। लार्सन एंड टुब्रो की बात करें तो इनको 2,500 करोड़ का ऑर्डर मिला है, राष्ट्र केमिकल एंड फर्टिलाइजर डेवलप, तो यहाँ पे रायगढ़ में एक प्लांट डेवलप करेंगे ये। नेस्ले का जो है प्रॉफिट गिरा है और तकरीबन 899 करोड़ के आसपास रहा है, तो नेस्ले में आपको गिरावट देखने को मिलेगी। वहीं अगर इनमें आईटी स्टॉक है, इन्फोसिस, माइंडट्री, विप्रो, इन और इसमें आपको अच्छी खासी जो है बढ़त देखने को मिलेगी। लेलेंटी में एक अच्छे ऑर्डर की वजह से आपको आज बढ़त देखने को मिलेगी। पॉली कैप में भी प्रॉफिट 400 करोड़ बढ़ा है, तो ये स्टॉक में भी आज आपको बढ़त देखने को मिलेगी। जेएसडब्ल्यू एनर्जी ने 25 साल का एनर्जी परचेज एग्रीमेंट साइन किया है जीवीएनएल के साथ, तो ये भी एक पॉजिटिव न्यूज है, एक न्यू कस्टमर मिला है कंपनी को, तो ये स्टॉक भी जो है आज पॉजिटिव में रहेगा। हैवेल्स की बात करें, इनका नेट प्रॉफिट 268 करोड़ बढ़ा है, तो ये स्टॉक भी आज पॉजिटिव में रहेगा। टाटा कम्युनिकेशन की बात करें तो इनका मामूली सा प्रॉफिट बढ़ा है, तकरीबन 227 करोड़, तो आपको स्टॉक में बहुत ही हल्की मामूली से बढ़त देखने को मिल सकती है। वहीं बात करें सेंट्रल बैंक की, तो इन्हें 50% का नेट प्रॉफिट में इंक्रीमेंट हुआ है और एनपीए भी इनका घटा है, तो आपको आज सेंट्रल बैंक में अच्छी खासी तेजी देखने को मिलेगी। स्टॉक की बात करें जिनमें सबसे ज्यादा बढ़त हुई थी, तो आप देख सकते हैं आईटी स्टॉक ही हैं, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, पावर ग्रिड, लार्सन टुब्रो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 2.5% की बढ़त हुई थी इन्फोसिस में, वहीं तकरीबन 2.5% की बढ़त टेक महिंद्रा में और 1% के आसपास की बढ़त बाकी स्टॉक्स में। ये स्टॉक में गिरावट हुई वो थे बजाज ऑटो, श्रीराम फाइनेंस, नेस्ले इंडिया, महिंद्रा एंड महिंद्रा और हीरो मोटोकॉर्प। सबसे ज्यादा गिरावट बजाज में देखिए, तकरीबन 13% की गिरावट आई है, तो काफी अच्छी खासी इसमें जो है प्रॉफिट बुकिंग आपने देखने मिली है। ग्लोबल मार्केट अभी करंट में बात करें तो देखिए ट्रेंड्स जो देंगे आप, अभी बुलिश ही है। डाउ जोन्स जो है फ्लैट और नेस्डेक भी फ्लैट है और एसएनपी में तकरीबन फ्लैट टू नेगेटिव ओपनिंग है। यूरोपियन मार्केट तीनों ही पॉजिटिव में है। अगर एशियन मार्केट की बात करें तो यहाँ भी देखिए मोस्टली ट्रेंड पॉजिटिव में ही है। कोरियन बाजार में थोड़ा सा नॉर्थ कोरिया की नेगेटिव न्यूज के चक्कर में हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग है और फ्लैट है बाजार, वरना आप ताइवान का बाजार देखिए, हांगकांग का बाजार, सिंगापुर का बाजार, निक्केई सभी पॉजिटिव में है। अगर एफआई के डेटा की बात करें तो देखिए एफआई तब से सेल ही कर रहे हैं, चाइना इसका एक बहुत बड़ा रीजन है। अगर आप पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन देखिए, एफआई ने सिर्फ अपना पैसा निकाला है, वहीं डीआई लगातार खरीदारी कर रहे हैं। तो कुल मिला के देखें तो मार्केट अभी आपको नेगेटिव में ही है कैश फ्लो, तो आज मार्केट में जो है आपको फ्लैट टू नेगेटिव ओपनिंग देखने को मिल सकती है, बिकॉज लिक्विडिटी का क्रंच है, एफआई ने अपना सारा पैसा निकाल रहे हैं तब से। आईपीओ की बात करें, अभी कोई आईपीओ नहीं है, तो दोस्तों इन सब लेवल्स को ध्यान में रखिए, आप ट्रेड कीजिए, आपका दिन शुभ रहे।